नरवारा नगर के हृदय स्थल धुवाई चौराहे पर आज कैलाश वासी माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त जसवंत जाटव, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य संदीप माहेश्वरी के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता, सिंधिया घराने के कई निष्ठावान लोग नरवर के धुवाई चौराहे पर पहुंचे, जहां सुबह 9:30 बजे माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिमा के सामने ने दीप प्रज्वलित कर बड़े महाराज की स्तुति कर हार फूल मालाएं पहनाकर उन्हें याद करते हुए नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर नगर परिषद नरवर के सफाई कर्मियों का फूलमाला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। मौके पर कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त जसवंत जाटव ने संबोधित करते हुए कहा कि कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया आज भी हमें विकास और प्रगति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ग्वालियर संभाग ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश व देश में उनके द्वारा रेलवे के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में किए गए कार्य भी उनकी याद दिलाते हैं। वर्तमान में श्रीमंत सिंधिया क्षेत्र के विकास का मसीहा बनकर प्रगति और विकास के मार्ग पर चलकर हमें कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की याद दिलाते हैं। आज उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम, पुष्पांजलि अर्पित की है माननीय मंत्री जी के साथ सभी हमारे पूर्व सब मंडल अध्यक्ष, सभी पार्षदगण, सभी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, और इसके बाद यहाँ गरीबों का भोजन वितरण का कार्यक्रम है। हमारे जो सफाई मित्र हैं जिन्होंने नरवर को चमकाने में विशेष भूमिका अदा की है, आज उनका महाराज की पुण्यतिथि पर उन सभी का सम्मान आज नरवर में किया गया है। शाम को 7 बजे दीप प्रज्वलन यहाँ पर दीप दान किया जाएगा। इसके बाद सूढ़ा बस्ती में एक कार्यक्रम रखा है, वहाँ गरीबों को भोजन एवं वस्त्र का वितरण होगा, और एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम फिल्टर प्लांट पर रखा है, जिसमें अभी अभी थोड़ी देर में हम लोग सब जाने वाले हैं। हम सब मिलकर श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को आज एक सफल और एक अच्छे राजनेता के रूप में आज उन्हें याद करते हैं। धन्यवाद। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के द्वारा जो सिर्फ संपूर्ण ग्वालियर संभाग ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में रेलवे विभाग के साथ साथ अन्य विभागों में और अन्य क्षेत्रों में जो विकास के आयाम स्थापित किए गए थे, आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज 30 सितंबर हमारे जीवन का एक अद्भुत दिवस है, और कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया केवल ग्वालियर और चंबल संभाग के लिए तो अहम थे ही, पूरे समूचे मध्य प्रदेश और देश के लिए उन्होंने विकास कार्यों की जो नई सौगातें दी थी, एक नई परिकल्पना नए आधुनिक भारत की उन्होंने की थी, आज वो साकार हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में विकास और प्रगति की जो इबारत उन्होंने लिखी है, आज हम पूरे क्षेत्रवासी उनको हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से उनको नमन करते हैं, और आज उन्हीं के रूप में उनके सुयोग सुपुत्र श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उसी विकास और प्रगति के पथ पर चलकर समूचे ग्वालियर चंबल संभाग केवल नहीं पूरे समूचे मध्य प्रदेश और देश में श्रीमंत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी का नाम रोशन करने का काम किया है। उन्होंने अपने कार्य के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर और अपनी क्रियाशीलता के आधार पर आज पूरे प्रदेश में और देश में युवाओं की वो पहचान बने, युवाओं की दिलों की धड़कन है। मैं ऐसे श्रीमंत कैलाशवासी माधवराव महाराज माधवराव सिंधिया जी के चरणों में सत्सद नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ।